देखिए पहले, मतलब यार पहले तो पानी की स्पीड देखिए, पानी की अगर आपको आवाज़ भी आ रही होगी तो बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, कसम से यार। ठीक है, आप कुछ लोग नहा भी रहे हैं बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, निशब्द, मेरे पास शब्द नहीं है बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। पानी इसका काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन यार शूज़ पहन रखे यार हम लोगों ने, तो फिर हम इसलिए कर नहीं पाएंगे। तो गाड़ी वाले भैया कह रहे हैं कि बार बार कहाँ आप बार बार रुकवा रहे हैं। अरे हमने कहा भैया 50 ज़्यादा ले लें, रुक जाए यार, बार बार तो आते नहीं है कि अभी अभी आए फिर आ गए कुछ दिन बाद। मतलब यार आप लोग भी अगर अगर आए तो इस महीने आओ, देखिए ऊपर बादल भी, मतलब जो मौसम है काफ़ी अच्छा है, आपको गर्मी नहीं बिल्कुल लगेगी, काफ़ी मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये जो नदी है इसका नाम शारदा नदी है, इसका जो पानी है पूरा डायरेक्ट पहाड़ों से आ रहा है। और तो चलिए भी यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे की लोकेशन दिखाएँ। समंदर है ये देखिए, वाह बस अभी हम लोग शूज उतार के पानी से पैर डालने वाले हैं। ये देखिए मिनी समंदर कितना प्यारा व्यू आ रहा है लेकिन यार ये देखिए हमारा दोस्त उसने पैर डाल रखा है, मैं भी जूते के बस आफा मचा के रखा है, बस फोटो खींचो फोटो खींचो, मैं आपको मिनी समंदर दिखा रहा हूँ, ये कह रहा फोटो खींचो फोटो खींचो, पहले इसकी फोटो खींच लेते फिर आपको मिलते हैं। भाई हम लोग यहाँ पर बैठे हैं शूज उतार के अपने, ये देखिए, और इतना ठंडा पानी है कि अगर इसको एक घंटा का नहा लिया तो अब जमा हो जाए अपने अवध में, लखनऊ के अवध में आप बोलो बैठ भी डूब जाएगा यार, मतलब गजब है यार। इसमें राफ्टिंग भी होती है वहाँ पे, निकल है एडवेंचर, तो यार आपको शायद ऐसे देखने में ना लग रहा हो लेकिन ऐसे जो पानी उसकी स्पीड से ज़्यादा ना डर होता है, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, पानी बहुत ठंडा है और मतलब यार क्या बताएं, इसीलिए आप लोग भी यार अगर इसी मौसम में आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा बारिश का मौसम होता है तो बादल भी मतलब मौसम काफ़ी अच्छा होता है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये देखिए लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब तैयार रही हैं, आप देखिए कुछ लोग नहा भी रहे हैं अभी, वहाँ मैंने आपको पीछे मिनी समंदर तो दिखाई था पानी की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही है, मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छी। वो देखिए सामने वो नेपाल है, जो नदी के उस पार है वो नेपाल है, वो देखिए जो आपको पत्थर दिख रहे होंगे वो सारे सब ये जो पानी है इसी के थ्रू बह करके जाते हैं, वो देखिए पूरा आगे जो तो डैम है आपका नेपाल और इंडिया वाला वो वहीं पर जा रहा है पानी, वहाँ पे आज रुका है कि नहीं रुका पता नहीं, कल तो फिलहाल रुका था, कल जब रुक गया था, अभी देखिए जाएंगे जब यहाँ से पूर्णागिरी माता के दर्शन करके हम सिद्धनाथ बाबा मंदिर जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे, अगर खुला होगा तो दिखाएंगे, नहीं खुला होगा तो भी दिखाएंगे। तो चलिए आपको बस यहाँ पर थोड़ी देर हमें मौज मस्ती कर लें फिर आगे निकलते हैं, आगे की लोकेशन आपको दिखाते हैं। भाई वो देखिए, और मतलब अल्टीमेट है एकदम, ये देखो पूरे पहाड़ ना, मतलब लुक के क्या ही कहने, नेचुरल ब्यूटी, नेचर वाकई यार, मतलब नेचर की बात ही अलग है। ये देखिए पेड़ काटा पड़ा, मैंने नहीं काटा है, ज़्यादा आगे ना जाओ यार क्योंकि जो तो लाइट आ रही है, क्योंकि जो मिट्टी, वाओ वो है ना मंदिर, मंदिर वही तो है, वो देखिए मंदिर दिख रहा, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो वो देखिए दिख रहा होगा, वो देखिए दिख रहा है जो ऊपर थोड़ा सा वाइट वाइट टाइप का, वो मंदिर हमें वहाँ जाना है, बहुत दूर है यहाँ से। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा दोस्त कह रहा है कि फ़ोटो खींच लेते हैं उसके बाद फिर आपको आगे मिलते हैं, मतलब
बता दीजिए कि ऊँचे ऊँचे देवदार और चीड़ के पेड़ हैं और देखिए रोड जो टर्न है वो काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी वैसा मोड़ है। और अभी उन्होंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर लोग पत्थरों पर बैठे थे, लोकेशन अच्छी लगी, मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं। हेलो, यहाँ फोटो तो क्लिक करिए, काफ़ी मज़ा आएगा। हमने बनाया है, ये देखिए पहले क्या है, होता है लेकिन ये ऊपर नीचे वाला पेड़ हो जाएगा, वहाँ पे 10-20 रो में हगना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग खाए खनते ही चलेंगे। अब ये देखिए ऊपर देखिए, तो भाई वाकई ये तो यार पानी ज्यादा वाला एडवेंचर है ये तो। एकदम जबरदस्त वाला भाई, वो पीछे दे आए मेरे जितने भी निकल चले गए बोले वो क्या मर रहे हो भैया, ने सबको उतार दिया था कि भैया को हर कीचड़ इचड़ है, वो गाड़ी में फंसे हो रहा था, जाएंगे वापस नहीं जाएंगे, लखनऊ कैसे आएंगे तो? यहाँ पे देख लो तो अब ये देखिए पहाड़ दिख रहा है, वाओ बहुत अच्छी लोकेशन भाई, इतना प्यारा सीन है, नीचे देख रुके गाड़ी रुको, हम लोग यहाँ थोड़ा सा रुक रहे हैं, देखिए एकदम वाकई तो गाड़ी में क्या एडवेंचर हो रहा है, रोड बहुत ही ज़्यादा डंप है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा खाली है हर जगह, मतलब अगर आप लोग आए तो शिट बाप रे, देख रहे हैं आप मतलब कैसी कैसी रोडें हैं यार, और जो भैया हमारे जो चला रहे हैं मतलब वो आते हैं भाई, वो उनकी आदत पड़ी आते रहते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अगर फिलहाल अगर हम लोग अपनी गाड़ी से आए तो यहाँ पे, तो फिलहाल अपनी गाड़ी से ना आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ रुकी भी हैं, अब किस लिए रुकी है तो यही जानते हैं, लेकिन रोड फोटो क्लिक कर रहे हैं, अच्छा फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, बाकी एक देखिए लखनऊ UP 32 की गाड़ी है, लखनऊ गाड़ी है, ये देखिए अबे भाई, अबे भाई, अबे यहाँ पर, अरे ये तो चलिए भाई, अब लोग आप तो आगे मिलते हैं, रोड यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है रोड से, अब भाई हम लोग तो मैं तो पैदल जा रहा हूँ क्योंकि भैया कह रहे हैं कि गाड़ी काफी वो है और रोड काफ़ी ऐसा हो रखा है, 20 जाना पड़ रहा है, तो बड़ी ही खतरनाक रोड है, तो इसके ऊपर से जाना पड़ रहा है, अरे यार शेड कीचड़ में पैर भी चला गया अरे यार ये कीचड़ पैर भी चला गया, आगे मिलते दोस्तों, रोड बड़ी खतरनाक है, काफ़ी ख़राब था तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो क्योंकि रास्ता बताना पड़ता ना, मैं लेफ्ट साइड में बैठा हूँ तो मुझे बताना पड़ता है, काफ़ी खतरनाक चढ़ाई है यहाँ की, मंदिर ज़्यादा दूर बचा नहीं है, लेकिन जो जहाँ पर गाड़ी रुकेगी उसके बाद जो चढ़ाई है वो इतनी खड़ी चढ़ाई है 3 किलोमीटर की, ये समझ लीजिए ये चढ़ाई इसकी डबल चढ़ाई समझ लीजिए बराबर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है वो, बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो देखे हैं पहाड़, अभी इस तरफ मुझे बादल दिख रहे थे, अगर हाँ आपको दिखेगा तो वो देखिए बादल पूरा एकदम पहाड़ों में ढक रखा है, ये देखिए आप,
यार वो देखिए बाद में कैसे ढकते हैं यार पीछे वाला पहाड़ तो मतलब अल्टीमेट था एकदम। हवा इतनी ठंडी चल रही है कि पूछ ही मत। अबे चल काफी लोग हमें रास्ते पैदल लोग जाते दिख रहे हैं गाड़ी और आदमी दस मीटर शंकर जा रहे हैं जान पूरे निकल लग गया था वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी मैंने वहाँ पर डबल कर दिया क्योंकि हम लोग को उतरना पड़ता गाड़ी से। जब मेला होता तो यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी देखिए यहाँ भी काफ़ी कीचड़ भरी हुई है काफ़ी ज़्यादा कीचड़। एशियन पहले मैं पॉज करा दी लोगों। ये देखिए नीचे का ये देखिए एकदम खंती हो रखा है जरा सा भी अगर पैस ले तो सीधे खंती पंती सब हो जाए हीरो पंती सारी निकल जाएगी। तो ये बहुत से लोग वापस आ रहे हैं दर्शन करके। जब लोग वापस आएंगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी लेकिन अभी चढ़ने में तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। सामने के जो पहाड़ है उनमें तो बादल है कि यहाँ भी एक बादल आ जाए तो बादल के अंदर घुस जाए और उसमें बैठ के चले गए है ना क्यों है कह रहे बादल आ जाए उसी में बैठ कर सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे चल मेरे बादल कहेगा हमको पहले बरस लेने दो उसके बाद चलेंगे। ऐसे दोस्तों हम लोग धीरे धीरे आपको ले चलेंगे एक साथ तो चल नहीं सकते फिलहाल। ये देखिए हम लोग आगे आ गए वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे वो सब उनको ऑब्जेक्शन होता है इस वजह से हमने वीडियो बंद कर दी थी मीन्स पॉज कर दी थी। आगे चलते हैं ये देखिए दोस्त खतरनाक पहाड़ काई एकदम जिस आप चढ़ना चाहें तो फिसल जाएंगे ब्रेक व्रेक लगेगा नहीं दसवें गियर में गाड़ी लगेगी सीधे नीचे खंती में सारी हीरो पंती निकल जाएगी। एनर्जी इतनी तेज़ी से लॉस हो रही है ऐसे पारा कुत्ता भी आ रहा साथ ये भी दर्शन करके आ रहा है। भाई हम लोगों ने सीढ़ी वाला नहीं किया सीढ़ी अगर करते तो वहीं बैठे रहते या फिर हम लोग को ले जाने के लिए पुष्प विमान आता या बादल आते कहें चलो हम चल रहे हैं बैठो पहले बरस ले ही फिर हम लोग चल रहे हैं। वैसे हम लोग वहाँ से यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा आगे आ गए लेकिन ये व्यू देख लीजिए आप लोग मौसम तो अच्छा लेकिन चढ़ने में से इतनी गर्मी लग रही है और आगे स्टेप वाली सीट दिख रही है देखकर ही बुखार आ गया 206 डिग्री का। अब आगे हम लोग चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं लोकेशन जो हम लोग नारियल चढ़ाते हैं प्रसाद में ये वापस चला जाता है और ये वहीं से फिर से सेल होता है फिर से हम में से आप में से कोई ना कोई उसको ले लेता है। ये चीज़ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए फिलहाल लेकिन अब क्या करें सिर्फ एक बिजनेस बना रखा है और कुछ नहीं है। ये देखिए सामने पहाड़ ये भी सीढ़ी अभी चढ़ना है भैया कह रहे थे ऊपर आप जाएंगे तो और अच्छा लगेगा लेकिन लेकिन भाई यही बैंड बच गई है। यहाँ पे देखिए पूर्णागिरी धाम में पॉलिथीन पूर्ण रूप से वर्जित है तो यहाँ पन्नी लगा है झिल्ली कह सकते हैं आप पॉलिथीन सेलोफेन कुछ भी कह सकते हैं आप हम लोग यहाँ पे झिल्ली ये देखिए दोस्त कह रहा झिल्ली। और भाई हवा वाकई बहुत अच्छी लग रही है एसी आपका फेल जो घर में लगा उसको उखाड़ फेंक दीजिए हम यहाँ से
एक डिब्बे में हवा बंद करके ला रहे हैं और पूरे घर में फैला देंगे। सही बता रहे हैं, हम तो यहाँ से लेके जाएंगे हर कमरे में थोड़ी थोड़ी हवा छिड़क देंगे जाके, एक साल तक हवा बनी रहेगी, दीवारों में घुस जाती एकदम। भाई एनर्जी जो थी वो वापस घुस गई, वो कहीं छूट गई रास्ते में, वापस घुस गई। जो हवा लग रही ना, वायु जिसे कहते हैं आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, अल्टीमेट पूरा पसीना सूखा जा रहा है। अगर पसीना सूखेगा तो एनर्जी आपकी वापस आ जाएगी। हाँ सुमित जी, अब भाई हम लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दी है चढ़ाई। यहाँ पे देखिए प्लेन सर्विस है। किसने स्टार्ट स्टॉप नहीं की थी हमने भाई, कर दी इतने स्टॉप लिए क्या करें यार, अब कोई क्रिस तो है नहीं कि ये देखिए ये मार्केट है, यहाँ पा सकते हैं और कुछ परचेज कर सकते हैं घर के लिए। ये जो जितने भी आपको जो शॉपें दिख रही हैं, ये सब जब मेला होता है दो तो ये सब यहाँ पर पूरा सब शॉप लगी रहती हैं, कुछ भी खरीद। सब खाली पड़ी है शॉप, ये आपको यहाँ पे देखे हैं थोड़ी बहुत, यहाँ पे आपको मिलेंगी। हाँ ये देखिए छोटा सा मंदिर, यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं आप। ये देखिए सब शॉप है, इसलिए उसको बकरा बना देता हूँ। एक लड़के की शादी है, उसको बकरा बनाइए फेंक दिया जाएगा, वो शारदा नदी से तैरता हुआ जाएगा, कहेगा वापस जाएंगे। ये देखिए देवदार के पेड़ एकदम लंबे लंबे, एकदम देवदार वाले हैं एकदम बात इनमें। दोस्तों हम नीचे की चढ़ाई नहीं दिखा पाए, ये कितनी खड़ी चढ़ाई है। अब देखिए ये चढ़ाई देख रहे हैं आप कितनी सक्रिय है, पकड़ लेंगे खंती निकल जाएगी सारे हीरो बनती। देखिए दोस्त की भी हालत ख़राब है, हम लोग भी हालत ख़राब, मेरी भी, लेकिन दर्शन करने जाना है तो मतलब जाना है चाहे जैसे। मंदिर ज़्यादा बचा नहीं है, चेंज मेरे पास देखना पड़ेगा, कहेंगे टूट लाओ। ऊपर वहाँ चेंज रुपए देने पड़ते हैं क्योंकि जो पंडित हैं वो फिर नालायक टाइप के। कोई देख पानी आ रहा है क्या, परेशानी हो रही है। पहाड़ देखें दोस्तों, काफ़ी लोग जा चुके हैं नीचे। ये देखिए शॉप, ऊपर भी शॉप लगी हैं, आप यहाँ से भी सामान परचेस कर सकते हैं। यहाँ से नॉर्मल चढ़ाई आएगी, स्टेप वाली चढ़ाई नहीं है, स्टेप की चढ़ाई होती है थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन ये ठीक चढ़ाई है। चल रहे हम लोग, दोस्त आ गए हैं, मैं नीचे हूँ। देखिए काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं, ये देखिए दोस्तों पूरा पत्थर गीला है, बाहर जो पानी है पहाड़ों का वो इसी से आ रहा है। काफ़ी लोग नीचे आ रहे हैं, अगर सुबह आते तो थोड़ा सा भीड़ हमको ज़्यादा मिलती, इतनी ना तो फिर भीड़ कम है। लगभग सुबह आने वाले सब वापस जा रहे हैं। मेरे पीछे भी कोई नहीं दिख रहा, हम लोग काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन ये प्लेन सरफेस है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही,
स्टेप सीढ़ी होती है तो दिक्कत होती है। ये जितने भी पहाड़ हैं, ये पत्थर हैं, सब गीले हैं पानी से, क्योंकि कल ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पानी टपक रहा है। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि जो पहाड़ों से जो पानी आता है ये वो टपक रहा है। दोस्त हमारा आगे जा रहा है, उसने दो इंजन लगा रखे हैं पैरों में, सूखे पानी चलने वाले। वो देखिए आपको एक नदी दिख रही होगी, वो शारदा नदी है, वो इधर से उधर चली गई है एक सोर्स। काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं यार, यहाँ तो बड़ा कीचड़ है। ये देखिए इधर सब प्लेन है, लेकिन उधर से आने वाले जो स्टेप में है, तो आने वाले में तो दिक्कत नहीं होगी, जाने वाले दिक्कत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो देखिए दिख रहा है। ओ यार भीड़ तो है। वो देखिए आपको मंदिर दिख रहा होगा, और वहाँ लाइन भी लगी है। अगर सुबह आते तब क्या होता, तो को पानी आ रहा है क्या? अरे यार ना ये घूमने में है ना दबने में है, पता नहीं भाई, जल्दी करो, धूप में लगने पड़ेगा। चलो दोस्तों हम आपको आगे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ फिर लाइन लगानी पड़ेगी धूप में, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। दोस्तों देखिए हम यहाँ पे आ गए, ये फाइनल चढ़ाई है, ये देखिए। अबे भाई एक घंटा देखिए आप लोग, एक घंटा भक्त जनों ने बजाओ जाए तो डाल, इतना बेचारे थक गए थे कि बजाओ जाए घंटा तो डाला है, बताइए। अरे बाप रे, और ये देख इसका बड़ा भाई, ये बेचारा एक तरह से टूट गया है, छोटा भाई पूरा टूट गया, बड़ा भाई यहाँ तक टूट गया। ये देखिए हम लोग इस वाले टॉप वाले पॉइंट में आ गए, ये देखिए वाह क्या नज़ारा है, अल्टीमेट। ये देखिए हमारा दोस्त खड़ा है, मिट्टी खरगोश खड़ा है। ये देखिए शारदा नदी, और ये रास्ता नीचे भी गया, लेकिन नीचे कहाँ गया है यार, नीचे जाना ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है। देखिए आपको पूरा व्यू आपको मिलेगा, वो देखिए नेपाल, हम लोग यहाँ अपने इंडिया है, वो विदेश। ये जो है पहले जो आया था आपदा उसमें दलक गया, उधर आगे देखिए पॉइंट है, वो देखिए नेपाल के गाँव दिख रहे हैं, वो देखिए ब्रिज, अगर शायद आपको दिखे जूम करके अगर आपको दिखाते हैं तो, ए वो देखिए देखिए ब्रिज दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाइन लगने जा रहे हैं फिलहाल तो। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये आर्टिफिशियल बनाया गया है पत्थर की तरह, ये देखिए चेन लगी हुई है, और ये एक नया कुछ बनाया गया है, ताकि एक आप इसको हिल पॉइंट कह सकते हैं। ये नीचे भी, ये रास्ता नीचे भी गया है शायद, हाँ आप नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ लाइन बहुत लगी इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। अब हम लोग ऊपर से दर्शन कर चुके हैं, हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। अभी देखिए फिर से स्टेप वाले, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग को नीचे करना है, चढ़ने वाले तो दिमाग से हो जाता है। अभी तो हम लोग फिलहाल नीचे चल रहे हैं, चलिए जब प्लेन सरफेस आ गया तब आपको मिलते हैं, क्योंकि बैटरी है नहीं मोबाइल में, दोबारा बताना हुआ है इसलिए ज़्यादा बन नहीं पा रहा वीडियो, अगर कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम फिर हम लोग आपको आगे मिलेंगे, ठीक है, घाट के पास मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे। हाँ ठीक है, वो इसीलिए, और काफ़ी थक भी गए हैं, क्योंकि जाने वाला जो रूट था वो काफ़ी ख़तरनाक था, भाई अक्सर आते तो हैं नहीं, जो आता है उनकी हालत पड़ी होती है। अब ये बेंच है, यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और एकदम आनंद की प्राप्ति। अभी आवाज़ क्या कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा, लेकिन आज जो ऊपर देख रहे हैं वो बादल से ढके हैं, वो पता नहीं इस यहाँ पे हम लोग इतनी ऊपर चढ़ाई के लिए वहाँ कोई बादल मिला ही नहीं हम लोगों को। चले यहाँ थोड़ा सा बैठ लेते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं।